हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं श्री सैल और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज हम हमारे ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के आखिर में तैयार होता है। डाउन ट्रेंड के आखिर में जब एक वाइट या फिर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को एनगल्फ कर देती है, तब जो पैटर्न तैयार होता है उसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक बहुत ही मेजर रिवर्सल सिग्नल है, जिसमें दो विरुद्ध कलर की कैंडल्स होती है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार होने का मतलब है कि अब सेलिंग प्रेशर को बायर्स ने ओवरकम कर दिया है। अब दोस्तों, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, तो उसका पहला पॉइंट है कि मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के आखिर में दो कैंडल इस तरह से बननी चाहिए, जिसमें पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल वाइट या फिर ग्रीन होनी चाहिए। अब जो दूसरी कैंडल है, उसे पहली वाली रेड कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ करना है, मतलब पहली वाली कैंडल से दूसरी वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए। अब दोस्तों, हमें एंट्री कब लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये देखना है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की जो सेकेंड कैंडल बनी है, उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी है और हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो इन दोनों कैंडल में जिस भी कैंडल का लो सबसे ज़्यादा नीचे है, उस लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एक बुलिश एनगल्फिंग सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये डोजी है, ठीक है, और इस डोजी के ये जो कैंडल बनी है डोजी के पास, वो भी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ही है, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का जो रूल है कि इसने पहले दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल को एनगल्फ करना चाहिए, वो यहाँ पे हुआ है। और डोजी का तो कोई कलर जो भी हो वो चलता है, बुलिश एनगल्फिंग बार में अगर पहली कैंडल डोजी है तो उसका कलर चाहे रेड हो या फिर चाहे वाइट या फिर ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसे बुलिश एनगल्फिंग मानना चाहिए। इसलिए मैं जानबूझ के इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसके हाई के ऊपर एंट्री ले ली, एक बहुत बड़ी आपको यहाँ पे रैली दिखाई दी है। अब और एक दो बार हम इस तरह के देखेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग है। देखिए ये जो है ना, ये कैंडल, ये प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग बना है, ठीक है। इसकी दूसरी कैंडल है बहुत बड़ी है और रेड कैंडल बहुत छोटी है यहाँ पे, मतलब पहली कैंडल। तो पहली कैंडल को दूसरी कैंडल ने यहाँ पे एनगल्फ कर लिया है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं हर एक हमारे कोर्स के हर एक चैप्टर में आप सभी को बताता हूँ कि देखिए, सिर्फ पैटर्न जानने से कुछ नहीं होता है, वो पैटर्न कहाँ पे बना है इस पर उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। तो ये देखिए नीचे की तरफ ही बना है, सपोर्ट लेवल पे बना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हमें ऊपर की तरफ रैली मिल सके। अब हमें कहाँ तक वेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें इसके हाई हाई जो है उसका उसके ऊपर तक कोई भी कैंडल क्लोज दे वेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल उसके ऊपर क्लोज, उसके कैंडल कंप्लीट होने के बाद 1 घंटे बाद हुआ, वो इस कैंडल में हुआ है। तो इस कैंडल में हमने जो एंट्री ले ली, तो यहाँ तक हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में दिखाई दी, मतलब सेम डे भी हम यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स में लाकर बाहर पड़ सकते हैं। अब और कोई दिखाई देता है, एक आधा पैटर्न और भी देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये भी है, यहाँ पे भी हुआ है। देखिए यहाँ पे, ये भी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ही बना, इसे बनने के बाद यहाँ तक हमें देखने को मिली रैली, और लेकिन ये इतनी तेज़ नहीं थी, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पर भी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, ठीक है। तो यहाँ से जब इसके ऊपर जब इस कैंडल ने क्लोज दिया, तो हमने समझो यहाँ पे एंट्री कर ली, तो भी हमें अच्छा खासा यहाँ तक पैटर्न मिल गया। इंट्राडे में शॉर्ट टर्म के लिए ये बहुत बढ़िया बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एक बुलिश एनगल्फिंग का बना है, ये देखिए ये। तो इसके ऊपर जब इस कैंडल ने क्लोज दिया, इस कैंडल ने हमने इसमें एंट्री कर ली, तो ठीक है, धीरे 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 करते हैं दूसरे दिन तक हम कहाँ तक ऊपर पहुँचे। तो ये बुलिश यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपके यहाँ से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। तो
तो इसकी सेकंड कैंडल ने तुरंत ही इसके ऊपर क्लोज दे दिया है, देखिए ठीक है। तो इस कैंडल में हमने एंट्री ले ली, यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक तो इस वीडियो को पहुँचाइए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ पे जाकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, बिल्कुल फ्री है। कैंडलस्टिक एनालिसिस पैटर्न का फ्री कोर्स मैंने अभी चालू किया है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर जाकर एक एक चैप्टर देख सकते हैं। जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं हर एक चैप्टर ऐड करते जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको कोई भी समस्या है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और आप उससे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। दोस्तों आप सिर्फ ये वीडियो ना देखें, वीडियो देखने के बाद आप खुद हर एक चैप्टर को अलग अलग चार्ट पर आजमाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आप में स्किल्स डेवलप होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।